बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये कौन सी जगह है बरोड़े में, आप लोग बता सकते हो तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ कि ये बरोड़े में कहाँ बाजू पे है। यहाँ बाजू पे कपल फोटोशूट भी करते हैं, तो चलो फटाफट बताओ आप लोग। हाँ पर और यहाँ बाजू पे बिल्ली अब्बा को अब्बा जल्दी से लंबे अब्बा जहाँ सोते तो हैं फिर आ जाएगी जाके अब बिल्ली सो जाती है तो अब्बा को, तो अब्बा जल्दी से सो जाओ। और ये है हमारे को, अभी शादियों की सीजन स्टार्ट हो चुकी है तो दावत आई है खाने की, तो खाना खाने के लिए मैं और अम्मी हम लोग दावत में आए हैं। और यहाँ मुतेजन और दाल पुलाव है, तो हमारा खाना पीना हो गया है कंप्लीट, हमने खाना पीना खा लिया है। और मैं और अम्मी अभी कर रहे हैं थोड़ा सा फ़ोटोशूट, तो चलो मैं अम्मी की थोड़ी सी पिक्चर निकालती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ बाजू पे मेरी प्यारी मम्मी की मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट की। आरिया अब हम गार्डन में जाएंगे और अब आप लोगों को मैं लेके चलूंगी। तुम्हें गार्डन में जाएंगे बरोड़े के सबसे फेमस कमाठी बाग गार्डन। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आ चलती हूँ कमाठी बाग गार्डन, जो बड़ौदे का सबसे फेमस कमाठी बाग गार्डन है। तो ये मैंने आपको अभी पहले वीडियो में बताया कि ये ब्रिज बताओ कहाँ है, और ये है जू, यहाँ पे गेट बंद है जू का, और ये है विश्वामित्री ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, ये विश्वामित्री ब्रिज है कमाठी बाग गार्डन पे, और पहले के ज़माने में इसको झूलता मीनारा बोलते थे, झूलता पुल था यहाँ बाजू पे, और अभी यहाँ बाजू पे पक्का पुल बन चुका है। तो ये देखो कुछ इस तरह से पक्का पुल बना है, और ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ बाजू पे लोग फ़ोटोशूट कर रहे हैं। और ये विश्वामित्री नदी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मगर है इसमें ये नदी में। और ये ब्रिज कुछ इस तरह से दिखता है, और मैं ऐसा झांक के ब्रिज, अम्मी जैसा देख रहे ऐसा मैं नहीं देख सकती क्योंकि मेरे को बहुत डर लगता है। और ये विश्वामित्री नदी है, आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये झूलता मीनारा ब्रिज है, ये ब्रिज सुब्हान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर मैं बोले बिना नहीं रह सकती, बहुत ही ज़बरदस्त ब्रिज बना है और ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये बरोड़े की आन बान शान है माशाल्लाह से, और अभी नया ब्रिज बना है सुब्हान अल्लाह। तो बस यहाँ बाजू पे ब्रिज पे मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि वो नदी है, नदी के अंदर बहुत ज़्यादा मगर भी है, कभी कभी मगर बहुत ज़्यादा पानी आता है तो बाहर भी आ जाते हैं। तो हम बरोड़े वालों को तो पता है कि हमने मगरों को बाहर देखे हुए हैं। और यहाँ बाजू पे देखो फ़ोटोशूट हो रही है, न्यू कपल फ़ोटोशूट कर रहे हैं, तो ये है। और मैं आप लोगों को आज चलो लेके चलती हूँ गार्डन की जानिब। तो यहाँ बाजू पे गार्डन में बच्चों के झूले खाने के लिए भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है, और पर्यटकों के लिए भी बहुत ही अच्छा है कमाठी बाग गार्डन। बहुत से पर्यटक आते हैं कमाठी बाग गार्डन देखने के लिए, और अभी कमाठी बाग गार्डन पूरी तरह से खुल चुका है। कोरोना के बाद में मैं अभी फर्स्ट बार यहाँ बाजू पे मैं आई हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ बाजू पे बैठने की चेयर भी इतनी अच्छी है, जब यहाँ पे बैठते तो ऐसा लगता है कि हम वो शिमला के माल रोड पे आ गए हैं। तो मैं जब शिमला गई थी नहीं तो वहाँ शिमला का माल रोड इसी तरह का है। और यहाँ मैं और मेरी प्यारी अम्मी से फ़ोटोशूट कर रहे हम दोनों, तो हम यहाँ माँ बेटी ने थोड़ा फ़ोटोशूट किया। और ये देखो खूबसूरत, यहाँ ट्रेन भी चलती है और अभी ट्रेन चालू भी हो गई है, और मैं यहाँ से बहुत धूप लगी तो थोड़ी दूर चले गए हम लोग, तो ट्रेन यहाँ से जा चुकी थी। तो सॉरी फ्रेंड, मैं आपको ट्रेन की वीडियो नहीं दिखा पाई, इसके लिए मेरे को बहुत दुख है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे मैं ट्रेन की वीडियो शूट करके आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगी। और यहाँ बाजू पे अम्मी पानी की बोतल मैं लेकर आई थी, छोटी सी बोतल पानी की, क्योंकि मैं और अम्मी हम दोनों खाना खाने के तुरंत पानी नहीं पीते, खाना खाने के 10 से 15 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए। ये नबी, मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो मैं और मेरी अम्मी पानी 10 से 15 मिनट बाद पीते हैं, तो अम्मी ने आधी बोतल पानी पी लिया और मैं भी अब आधी बोतल पानी पीऊँगी क्योंकि 10 से 15 मिनट हमारे को खाना खाने के बाद हो चुकी है। और ये देखो पुराने कपल, ये है पुराने कपल, तो पुराने कपल अपने अपने मोबाइल में, मैं तो मेरी मस्ती में वीडियो शूट कर रही थी, तो वो लोग मेरे अंदर आ गए, मेरे को पता नहीं चला कि कब मैंने पुराने कपल की वीडियो ले ली। तो ये इधर मोबाइल में मस्त थे और वो उधर मोबाइल में मस्त थे, तो पुराने हो जाते उसके बाद बस मोबाइल के अलावा कुछ दिखता नहीं है। और हाँ, अगर 15 मिनट बाद आप पानी पीते हो तो आपको कैंसर की बीमारी से भी आपकी हिफाजत होती है, तो खाना खाने के तुरंत पानी कभी भी नहीं पीना चाहिए, खाना खाने के 15 मिनट बाद ही
पानी पीना चाहिए। और ये देखो कितना खूबसूरत नज़ारे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के प्यारे प्यारे नज़ारे। और आजकल मैंने जैसे टाइटल मारा है मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ, बस तो आजकल बस ऐसा टाइटल मार दो मेरे हस्बैंड की सेकंड वाइफ, दूसरी वाइफ, तो आपके लाखों में व्यूज़ आने चालू हो जाते। क्योंकि आजकल ट्रेंड चला है जैसे के सितारा यासीन जी, सितारा यासीन की तो अल्लाह अकबर, अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमावे। उनके सोहर ने वाकई में दूसरी शादी कर ली है, तो अल्लाह उनको सब्र जमील अता फरमावे। और ऐसा मत करो, ये गलत है, तीन तीन बच्चों के बाप होके ये सब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पाकिस्तान में हर कोई, अभी दूसरी भी एक वीडियो आ गई है पाकिस्तान की, मेरे हस्बैंड की सेकंड मैरिज, अल्लाह अकबर, तो वो भी मैंने देखा। मैंने क्या है पाकिस्तान वाले लोग क्या कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बाजू पर आप लोगों को स्क्रीन शॉट लगाती हूँ ये मैडम जी की, तो देख लो आप। इन्होंने अभी लाइव आए थे, कल ही मैंने देखा इनका लाइव भी, लेकिन लाइव आए थे तब नहीं देखा मैंने अभी, क्योंकि अभी कई दिन से मेरी मम्मी आए हैं, मेरे अब्बा और मेरी अम्मी आए हैं, तो मेरे को ज़्यादा वीडियो देखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, और मेरी वीडियो एडिटिंग करने का मेरे को टाइम नहीं मिलता है। मैं वीडियो तो शूट कर लेती हूँ लेकिन मेरे को एडिटिंग का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। तो सॉरी फ्रेंड, मेरी वीडियो भी इसलिए लेट भी चल रही है। और यहाँ बाजू पे मेरी कमाठी बाग गार्डन होता है ख़त्म, आप लोगों से बातें करते करते यहाँ बाजू पे कमाठी बाग गार्डन ख़त्म होता है। ये देखो इस तरह से तीसरे नंबर का गेट है, सयाजीगंज का विस्तार है यहाँ, नहीं यहाँ पंडिया ब्रिज के वहाँ है ना वहाँ। और बस यहाँ रिक्शा में बैठ के हम डीमार्ट मॉल आ गए पंडिया होटल के। कमेंट आता है कि आप कौन से मॉल से शॉपिंग करते हो, तो मैं ज़्यादातर पंडिया होटल के तरफ जो डीमार्ट मॉल है मैं वहीं से शॉपिंग करती हूँ। तो बस यहाँ बाजू पे मम्मी के थोड़ी शॉपिंग करनी है, तो बस यहाँ हम शॉपिंग करना है। मम्मी ने बहुत ही अच्छी अच्छी शॉपिंग करी। मम्मी क्या क्या ले रहे हैं मैं आपको घर जाके वो भी सब दिखाऊंगी। लेकिन देखो ये कितने प्यारे से हैंगर है, ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा सफ़ेद कलर। तो मैंने एक ये मम्मी को बोला ये लो, और देखो मम्मी ने कितना अच्छा सब ले लिया है। मम्मी सब दिमाग में रटके आए थे कि मेरे को शॉपिंग क्या क्या करनी है। तो बस मम्मी ने जितना मम्मी को लेना था मम्मी ने शॉपिंग कर ली। और यहाँ बाजू पे हमारी शॉपिंग होती है डन, कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ ही डीमार्ट को बोलते हैं बाय बाय टाटा और चलते हैं घर की तरफ। तो चलिए आप लोगों को मैंने डीमार्ट में से क्या लिया है वो घर चल के आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने बहुत काम की चीज़ ली है और किस तरह से उसका यूज़ करना है और यूज़ करने से फ़ायदा है कि नहीं वो सब मैं आप लोगों को घर चल के दिखाती हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और नवे बंदे अगर मेरी वीडियो को देख ले तो फटाफट लाइक कर दो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं जब भी नई और अच्छी अच्छी वीडियो लाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखो मम्मी क्या लेकर आए, और ये लेकर आए ये मेरे मम्मी को जबरदस्ती लिया था। और ये है प्लेटफॉर्म भी इससे साफ कर सकते हैं। और ये मम्मी को हैंगर लेने थे, मम्मी ने हैंगर लिए है। और ये देखो ये पंखा भी साफ करते हैं, सोफे के आजू बाजू भी अच्छे से साफ हो सकता है इससे भी, तो ये बहुत अच्छा है। और ये मेरे अब्बा के लिए, मम्मी ने पापा के लिए गिफ्ट लिए, बहुत ही अच्छा है रिलायंस का ये पिलो। और ये मम्मी ने क्या चिमची तबे थी सबको ढांप के रखने के लिए, ताकि इसमें बैक्टीरिया जम्स ना जावे, इसके लिए ये अच्छा सा छोटा सा कंटेनर लिया है, जो मम्मी का बहुत ही हमको जरूरी था। बोलते कि ऐसे ढांप के रखने का तबे थी चिमची, उसके अंदर बिल्कुल भी कोई जीवड़े जंतु ना पड़े और बिना धोए भी आप ले सकते। तो ये बहुत अच्छा लगा। और मैंने जो इसकी प्राइस देख लो 149 रुपीज़। तो ये देखो इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो चलो मैं किचन में चलती हूँ, आपको बताती हूँ इसको यूज़ करने है। और यहाँ अजान हो चुकी है तो मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई। पहले मैंने नमाज़ पढ़ी और नमाज़ पढ़ते पढ़ते मैंने क्या करा था, चाय भी बनाने रख दिए ली। तो चाय यहाँ बाजू पे मैंने नमाज़ पढ़ी वहाँ तक चाय थी तो उबल गई। तो ये देखो इस तरह से जो अभी मम्मी ने हमने डीमार्ट में से लिए, जो मम्मी ने मेरे को ये दो गिफ्ट दिए है, तो ये मैं इस तरह से देख लो ये चाय धुली है तो बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी से साफ़ हो जाती है। तो ये देखो, और मेरा ट्राइपॉड टूट गया है इस वजह से, ये है ना हल रही है थोड़ी वीडियो, तो आप नेवर माइंड करना। ट्राइपॉड टूट गया इस वजह से मेरे को बरोबर वीडियो शूट नहीं हुई है, लेकिन आप आराम से इसको देख लो, वॉश कर लिया तुरंत पानी में सब चला गया। और ये इसका बिल्कुल क्लीन हो जाता है, चाय का कोई धब्बा इस पर बिल्कुल नहीं रहता है। ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, इसको अच्छे से दबा के
थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट डाल के आप धो लो, बहुत ज़बरदस्त है। तो आई होप आज की मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और नवे बंदे मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलती रहे। तो बस यहीं मेरी वीडियो होती है ख़त्म। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खूब सारी दुआओं में याद, आपका और आपके अपनों का ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़। तो दुआ में याद, अल्लाह हाफिज़।